फॉरेंसिक साइंस विभाग में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में स्थित फॉरेंसिक साइंस विभाग में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सही है या नहीं, आज का विषय रहा। इस विषय पर विद्यार्थियों ने अपने अपने पक्ष रखे। इस संबंध में विभाग के समन्वयक डॉक्टर विजय यादव ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस विभाग में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 11 अक्टूबर से प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को उनकी जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए, फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है, और उसी क्रम में आज हमने एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें हमारा डिबेट का टॉपिक था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग में कितना कारगर है या नहीं। तो उस क्रम में आज भी हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग डिपार्टमेंट से, और आगे हम 15 अक्टूबर को जो कलाम जी की बर्थ डेट है उस डेट पे हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। तो इसमें हम जो है लगभग 50 से 60 बच्चों का पार्टिसिपेशन है जो रक्तदान करना चाहते हैं, और भी मेरा कॉमन यूनिवर्सिटी के लोगों से भी मैंने अपील किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और रक्तदान शिविर में पार्टिसिपेट। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से सुमित मिश्रा की रिपोर्ट।